गुड मॉर्निंग एवरीवन, स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में। तो भाई आज फिर से आ गई हूँ आप सभी के बीच एक रेसिपी लेकर। तो भाई जैसे कि सभी को पता है अब मकर संक्रांति आने वाली है और सकट भी आने वाली है। तो हमारे यहाँ पर मकर संक्रांति और सकट को तिलों का कोई लड्डू बनाता है तिल और गुड़ के, तो कोई तिल की बर्फी बनाता है, कोई तिल बुग्गा बनाता है। तो तिल की अलग अलग रेसिपियाँ बनाई जाती हैं। तो आज मैं भी तिल की बर्फी बनाने की रेसिपी आप सभी के बीच लाई हूँ, जो कि जिसमें कि ना ही मैंने मावा डाला है, ना ही दूध यूज किया है और ना ही घी। तो यहाँ पर मैंने ये किस तरीके से बनाई है वो मैं आज आपसे शिक्षा शेयर करूँ। चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने ले लिया सफ़ेद तिल, देखिए इन्हें मैंने अच्छे से साफ कर लिया है। ये ले लिया मैंने मूँगफली की गिरी जो कि अभी कच्ची है, ये ले लिया मैंने मिल्क पाउडर और ये ले लिया मैंने एक बाउल चीनी। तो इन्हीं चार चीज़ों से आज बनाएंगे हम बढ़िया सी बर्फी, बिल्कुल सॉफ्ट एकदम मार्केट जैसी। तो यहाँ पर मैंने एक कढ़ाई ले ली और उसमें थोड़ा सा चढ़ा लिया देसी घी। देखिए आप चाहें तो ऐसे ही भी रोस्ट कर सकते हैं तिलों को, लेकिन मैं थोड़ा सा देसी घी डाल रही हूँ। और हम सबसे पहले तिल को रोस्ट कर लेंगे, यानी कि इन्हें भून लेंगे। तो ज़्यादा नहीं भूनना है तिलों को, इतना नहीं भूनना है कि इनका कलर चेंज हो जाए, बस हमें हल्का सा तिलों को भून लेना है जिससे कि इनका कच्चापन खत्म हो जाए। देखिए इसमें घी डालने की भी जरूरत नहीं, क्योंकि नेचुरल जो तिल होते हैं और मूँगफली गिरी होती है सभी को पता है कि उनसे ऑयल निकलता है, नेचुरल उनमें चिकनाई खुद ही होती है, तो हमें चिकनाई कोई भी डालने की जरूरत नहीं है। तो अब हम इसमें डाल देंगे मिल्क पाउडर। मिल्क पाउडर को डालने के बाद अच्छे से चला देना है, क्योंकि मिल्क पाउडर से गांठें बन जाती हैं, तो इनमें गांठें नहीं बनने देनी है और फटाफट से इस तरीके से चला देना है। जब मिल्क पाउडर अच्छे से मिक्स हो जाएगा तो कढ़ाई को रख देना है साइड और हम चाशनी बना लेंगे। तो यहां पर मेरा जो मिल्क पाउडर अच्छे से मिक्स हो गया है, तो अब गैस को रख देंगे साइड में और चलिए चाशनी बनाने के लिए ले लेते हैं एक फ्राई पैन। तो यहाँ पर मैंने फ्राई पैन ले लिया है और गैस चला दिया है। अब हम इसमें